धन्यवाद आप सबको नमस्कार। आज आप जानते ही हैं कि रामलला का पूजन आज से शुरू हो रहा है और एक बहुत ही पवित्र दिन भी है आज। और मैंने सोचा आज आपके सामने दो विषय के बारे में बात करूं। पहले तो आपने पढ़ा होगा लेकिन आज दोहरा रहा हूं मैं आपको आपके सामने कि 65 साल से जो यहां पर देश में गरीबी हटाओ का एक फॉल्स प्रॉमिस, एक एम्प्टी स्लोगन हमको सुनने को मिला था। कांग्रेस ने 65 साल से ये चलाया था और आज फैक्ट्स सामने आ रहा है कि पिछले 9 साल में 25 करोड़ भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण की नीतियों के कारण दे हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी। तो 63 साल गरीबी हटाओ का ढोंग अन्याय लोगों पर और पिछले 9 साल 9.5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके काम और उनके डर के काम के कारण, उनकी नीतियों के कारण और गरीब कल्याण का जो उनका फोकस रहा है उसके कारण ये आज देखने को मिल रहा है। और ये एक थोड़ा आयरनी भी है कि जो लोग आज न्याय के बारे में या न्याय तोड़ो या न्याय जोड़ो जो भी कहते हैं, वही लोग थे जो 65 साल गरीब और गरीबी के बारे में स्लोगन करते थे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बाद ही गरीब कल्याण का ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशनल इंपैक्ट देखने को मिला है। आज दूसरा एक तरह से सेलिब्रेशन यह है कि आज जनवरी 16 देश में हम नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाते हैं और यह भी एक बहुत ही एक अहम ट्रांसफॉर्मेशन रहा है कि 2015 से आज तक देश में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप, 112 यूनिकॉर्न और बहुत ही एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। और इसका मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखना चाहता हूं कि 2012 में पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट प्लेस किया गया था, मैंने प्लेस किया था और ये पब्लिक डोमेन में भी था कि भारत के बैंकिंग सिस्टम के 97% ऑफ नेटवर्क नाइन ग्रुप्स हैड कॉर्नर्ड। ये उन दिनों का बात, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल और हमारे युवाओं को और हमारे स्टार्टअप को कैपिटल मिलने के लिए बहुत ही तकलीफ होता था। आज हालात ये है कि ना कोई गॉडफादर अपने बल पर, अपने इनोवेशन, अपने क्रिएटिविटी के ताकत से 1 लाख हमारे नौजवान युवा स्टार्टअप्स उन्होंने क्रिएट किए हैं जिसमें से 112 यूनिकॉर्न है। हमारा आज संकल्प भी है कि आने वाले 10 साल में ये जो नंबर है 10 लाख स्टार्टअप्स तक पहुंचेगा और हम 10,000 यूनिकॉर्न्स देश में क्रिएट करेंगे। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में 3 साल में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, अलग अलग स्पेस, अलग अलग एरियाज में जो पॉलिसीज लेकर आए हैं, यहाँ पे सब हमको स्टार्टअप देखने को मिलेगा। ये एक और अन्याय और न्याय का एक एग्जाम्पल है जहां पर 2014 से पहले स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट से ना तो सपोर्ट, ना तो फाइनेंशियल सेक्टर से कैपिटल मिलने की कोई उम्मीद। ये था रियलिटी 2014 से पहले और आज का रियलिटी आप जानते ही हैं कि हमारे युवा शक्ति, हमारे यूथ जो है दुनिया के साथ कंपीट कर रहे हैं और जो भारत पहले टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर देश होता था, आज हम टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इक्विपमेंट और डिजिटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट सॉल्यूशंस, डिवाइसेस यहां पर बन रहा है। कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ने ये कहा
कि और आपने ये पढ़ा होगा और एक गोल्डमैन सैक्स का भी रिपोर्ट आया है हाल ही में कि भारत $10 trillion की इकोनॉमी तक बहुत ही जल्द उनका उम्मीद है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो आप जानते ही हैं कि जाने माने इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर जाते हैं हर साल, उन्होंने एक टिप्पणी भी की है कि इंडिया इज पॉइज्ड टू बिकम अ $10 trillion इकोनॉमी ओवर द नेक्स्ट 10।